भाइयों, साबी वो बनेगा जिसने जिसम के नाल अपने जिसम के नाल अपने सर दिया अखा के नाल हजूर की मजलिस च बैठा चेहरा वजूहा की जियारत की ईमान के नाल हजूर को देखा वो साबी बन गया। यह जहरी सोहबत दर्श कर रूहानी सोहबत नहीं है, और ना जितनी हजूर की उम्मत है सारे साबी अंदर है। यह शान सिर्फ उन्होंने मिली है जिन्हें जहरी जिसम के नाल अपने सर दिया अखा के नाल करीम आका की ज़ियारत की है। वह सहाबी बने, ताबी वो बने जिन्हें सहाबा ए कराम की ज़ियारत की है। और एक होता है कलबी ताबी, तो किस तरह है कलबी सोहबत बनाइए, किस तरह है हज़रत अलैहिस्सलाम की बीवी सदूम शहर आप निकल आई, लेकिन दिल चूंकि कुफार के नाल आई रस्ते के हालात कर दी दिल्ली तो पर खाजा अवैस करनी बजाय हजूर की ज्यारत नहीं की थी। इजाज मुकदस नहीं आए, लेकिन चूंकि दिली ताल्लुक सरकार को आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाल हजूर के नाल माइयत जरा कलबी ताल्लुक वो पुख्ता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो अजमत अता फरमाई के जुल्फाए राशिदीन जुबाए महबूब पाक लेके आपकी खिदमत हाजिर हो माइयत की कलबी माइयत की। इसे तरह जिस तरह सूरज इतने चौथे आसमान पर रह के पलीत जगह को पाक कर देता है, खुश कर देता है, ये भी एक माइयत है। इसे तरह मदीने के ताजदार सरकार वसलम मदीने में बैठ के असा गुनागारा में पाक फरमा माइयत है, बल्कि बड़ी खूबसूरत हिदायत है। शराब सीधा बोलता शरीफ इमाम खरगोशी ने किरदार लिखी कि अबू जहल ने हबीब यमनी की तरफ पैगाम भेजे कासिद भेजा मक्का शरीफ ने कोई नवा दीन है, लोग उसकी तरफ बहुत रागिब हो रहे हैं, तू आ इन्हों लोगों को समझा अपने बाप दादे का दीन न छोड़ो, इन्हों समझा कुछ अकल दे कि तू इन्हों का मुसन है, तेरे इन्हों के उत्ते बड़े एहसान ने, तू इन्हों समझा। हबीब जमनी आ गया मक्का शरीफ, अबू जहल ने बड़ा एहतराम किया, बड़ा इस्तकबाल किया, बड़ी उसकी खिदमत की थी। फिर उस दसिया कि इस तरह नवा दीन आया, लोग उसकी तरफ रागिब हो रहे हैं, तेरे इन्हों के बड़े एहसानात ने, मक्के वाले समझा देना हूँ अपने प्यो दादे का दीन न छोड़ लें। हबीब आता गल है तेरी गल मैं समझी, जितने तक दूए फरीद की गल न सुनाना मैं फैसला नहीं कर सकता, लिहाजा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया जाए, उन्हों का भी मैं गल बात सुन लवान, फिर मैं गल कर सकता। दिल चु तो डर गया भाई, वो तो आ गए तो मसला तो हल हो जाना, खत्म हो जाना, लेकिन मुँह चु बोल पैगाम गया सफर आलम पूरे मुजस्म सीधा वक्त सिद्दीक को लैके पहुंचे, सारे खड़े भैया ऊंचे है सारे एहतराम बैठ गए, हजूर भी बैठ गए चुप, कोई आदमी सवाल नहीं करता, कोई हजूर नाल बोलता नहीं। थोड़ी देर तो बाद हजूर हजूर नहीं बुलाया, तो फरमाया हबीब तू मैंने बुलाया मकसद बयान कर क्यों बुलाए। अर्ज करता है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं सुनया तुसा नबूवत का दावा किया, और फरमाया हाँ अखे मौजज़ा नबूवत की दलील होती है, मौजज़ा नबूवत की दलील है, मैंने मौजज़ा चाहिए है। मेरे हुज़ूर फरमाया मांग जो चाहेगा वो मौजज़ा तेरे दिखा देता है। आखदा जनाब अज चौधरी का चन्न है चमक रहा है, मेरी ख्वाहिश है कि इस चन्न दो टुकड़े करके दिखा दे। दो मेरे सवाल है, पहला सवाल चन्न दो टुकड़े करके दिखा दे। मेरे फरमाया आखिर आ जाओ कोहे सफा तमाम मुसलमान मुशरिकीन ने मक्का बमाए हबीब यमनी सरकार का आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इस सफा के रह गए। हजूर ने इस तरह उंगली का इशारा किया, अल्लाह ने फरमाना सूरज उल्टे पांवों पलटे चांद इशारे से हो जा, तेरी मर्जी पा गया सूरज गिरा उल्टे कदम तेरी उंगली उठ गई पखा तले जा चिड़िया। मेरे हुज़ूर ने उंगली का इशारा किया, चंद दो हिस्से हो गए, एक पहाड़ी के एक पासे हो गया, एक पहाड़ी के दूसरे।
दूसरे पास। फिर मेरे गुरु ने इशारा किया गुरुद्वारा चंद जड़ा है मुकम्मल हो गया। जो तो चंद मुकम्मल हो गया मोर्चा देख लिया सारे ने। हजूर ने फरमाया दूसरा सवाल कर अर्ज करता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरा सवाल तुसी आप दसो तो हल भी आप दे। तू परेशान है कि बच्ची मेरी ठीक हो जाती तेन उसको खाना खिलाना पेशाब कराना बड़ी तकलीफ होती है। पर मैं क्या तो तेरी बच्ची ठीक हो गई बस मेरा मुर्दा है फरमाना है अबीब यमनी चीख सुन ओ मैया ओ मक्के दे दरो दीवार सुन लो मैं पढ़ता पाया अशहदु अल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद कबूल कर ले। घर गया वापस दरवाजा खटखटाया अंदर उही बच्ची उसकी जेड़ी लूरली लगड़ी थी उसने दरवाजा खोलिया खोलिया बड़ा हराम है बेटी कि तेरे नाल के होया मैं तो तेन बिस्तर से छोड़ गया चारपाई से छोड़ गया तू तो मजबूर है तेरे नाल की होया। बाकी अब जी एक रात की सुखी पी है एक नूरानी चिहरे वाला तालियां आया बेटी तेरे बाप नू मक्के च मैं कलमा पढ़ाया है तू इच्छे कलमा पढ़ अल्लाह तेन शिफा दे और कलमा भी अता फरमा छोड़ा। लिहाजा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत इंसाना वास्ते लेकिन सोबत का असर और उसका नुकसान तो आम है। मुफस्सरीन इकराम ने फरमाया चंद जानवर जन्नत दे कीड़ा कीड़ा जानवर सैयदना ईसा अलैहि सलाम का दरास दोष दिता जन्नत लिया गया। हज़रत सालेह अलैहि सलाम की नाका उछनी वो जन्नत लिया गया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उछनी कस्बा जिसते मेरे हजूर सवारी की थी वो भी जन्नत लिया बल्कि वो खट्टी का सूखा तुन्ना जिसने खड़ो के मेरे हजूर खुतबा देते हैं जिसने मेरे हजूर के मुहब्बत तैयार की रोया जन्नत सिर्फ इंसाना वास्ते बनाई गई है लेकिन सोहबत असर है कि वो जानवर जिन्होंने अल्लाह के प्यारे निस्बत हो गई है वह भी जन्नत उल फिर लिहाजा अच्छी सोहबत अख्तियार करो। अच्छी सोहबत बुरिया को अच्छा कर देती है और बुरी सोहबत अच्छिया बुरा कर देती है। बुरा दोस्त सब नाल बुरा होता है कि सब थोड़ी जान लेता है बुरा दोस्त थोड़ा ईमान ले जाता है। उस दी सोबत एक लम्हा एक घड़ी बुरी सोबत बैठना देखो सैयदना हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा है खानदान नबूवत है अहल बैत है राम ने बरकिया इन्नहु लैसा मिन अहलिक नूह तेरी अहल बैत नहीं तेरा खानदान नहीं तेरी औलाद ही नहीं बनता क्यों औलाद नहीं है नबी का बेटा है फरमाया इन्नहू अमल गैर सालेह इसका अमल ठीक नहीं है ये बुरिया को बंद है लिहाजा ये काफिर हो गया है ये दोजख के लिए जाएगा। और दूसरे पास एक कुत्ता है जिसकी जात ही पलीद है असाब काफ के नाल रलिया खलोता अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे जन्नत ही दाखिल करता है। सुभान अल्लाह अल्लाह वाले की सोबत उसको मिल गई उस कुत्ते का जिक्र कुरान हो गया अज मिंबर से अज मेहराब से अस मस्जिद नबी के हरम जिक्र होते पैने उसके नाम के अमल बने हुए
जिथे थानू कुत्ता कोई लड़े या कड़ना चाहे फरमाए है कलहुम बासितुन ज़िराए मिल कसीर तुसी उस कुत्ते दे शातु महफूज हो जाओ। बाद तुंगा फरमाया कि अगर किसी मुसीबत में फंस जाओ तो असहाब काफ दे सत्ता बने आदा तुसा मान लो जदो तुसी वो मुसीबत दूर हो जाएगी इंशाल्लाह फिर सत्ता नेकां बंदियां नूं खाना खिला देना। बल्कि किसी काले कुत्ते नूं दिहाड़ी वेख के आखना कितनी तेरी साढ़े घर दा वे वो कुत्ता इंशाल्लाह थोड़े घर सी उसके मुताबिक उसनूं खुराक दी जाए ये औलिया कामली ने उस कुत्ते दे नां दे वलीफे सानूं दस्से ने। दूसरी चीज यह है कि कुरान मजीद दे विच जिथे जिथे असहाब काफ का जिक्र आया है उत्थे उत्थे उस कुत्ते का जिक्र भी नाल आया है। एक कुत्ता अगर उसनु सोबत अच्छी मिल गई है वो जन्नत में जाता है। और एक नबी का बेटा है अब्दुल अलैहि सलाम का उसनु काफरा की सोबत मिल गई फरमाइनहु लैसा मिन आदिक ये तेरी औलाद ही नहीं ये जहन्नम में जाएगा ये काफरा के नाल रले हुआ। यार अच्छी सोबत होती है अच्छी सोबत बहुत जरूरी है। बुरी सोबत तो बचो। देखो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हुज़ूर दे कोल बैठे ने तो रात दी कि नु तख्तियां मेरियां पढ़नी शुरू कर दी। सरकार दा सल्लम दा चेहरा अनवर सुरख हो गया। सैयद उमर के सदीक रज़ी अल्लाह तआला फरमाया उमर तेरी मां तेरे ते रोए तू क्या करता बैठा वेदा नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लम का चेहरा अनवर सुर्ख होता है। हजूर नाराजगी का इजहार चेहरे पर कर रहे तू तो रात पढ़ रहे हजूर के सामने सही उम्र फरमाया ताला हो वो तो रात की तख्तियां रख दी थी और हमारे रजाई तो बिल्लाह रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अल्लाह के रब उमर से राजी इस्लाम के दीन उमर से राजी और मुहम्मद करीम के रसूल उमर से राजी। सैयद उमर फरूक ने गल की सरवर आलम पूरे सलाम ने फरमाया उमर साढ़े को कि शादी करनी जी तू तौरात के पिछले जुड़ू है ये वो तौरात जी मनसूख हो चुकी है जी बिगड़ी हुई तौरात है तू उस कि शायद ढूंढना फरमा याद रख अज अगर मूसा अलैहि सलाम जिंदा होंगे तो मेरी तौर पर फरमा बरदार अगर आपको जिंदा होगा तो नानू भी मेरी इताअत करें। इस चीज से जाहिर होता है इस हमें पता चलता है कि किताबा भी वो पढ़निया चाहिए जी अल्लाह वाले और जिन्हों की सही और अकीदा है जिम्मे अपने के बे इश्क नबी जो पढ़ते हैं बुखारी होता है बुखार उनका नहीं आती है बुखारी पेश के नबी जो पढ़ते हैं कोई किताब पढ़ो लिटरेचर को देख के पढ़ो उसका असर होता है। अगर सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होता तो रात का पढ़ना हजूर को पसंद नहीं है तो साडा ये जिया लिटरेचर गलत लिखियां दिया तो मुड़ असियां ने जी साडे ते केड़ा असर होता है साडे ते असर नहीं होता जी जिहड़ी मदरसे जाबो गिए जेड़े पासे चले जाइए असर होता है हरगिज़ ऐसे नहीं। अगर पैगंबर का बेटा गुमराह हो सकता है अगर तौरात पढ़नी उम्र फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दी हुज़ूर नूं नापसंदीदा है यार सानूं भी एहतियात करनी चाहिए ऐसी कुतब के नज़दीक ना जाइए ऐसी मुहाफिल और मजालिस के नज़दीक ना जाइए जिथे बेराहमी का जिथे गलत रस्ते का दरस दिता जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सानू अपने प्यारियों की सोबत फरमाइयत ये सोबत और माइयत एक घड़ी से आती आती से भी आज भीखा संगत साथ की काटे कोट अब रात अद्धी नाल चुटकी जितनी होना इस तरी छोड़ी अल्लाह वाले को बह गयो तेरी जिंदगी के सारे मसले हल हो गए। हर के दीनत रूह पाखा सुबह शाम आतिशे दोज़ख बराबर बहराम उन्हें सोबत अख्तियार करना था।